बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई रूफ पे और ये देखें जी, ये अभी अपनी मम्मा को याद कर रही है। और जो उसकी बेटी है अजवा, अजवा से ज़्यादा ये दोनों बेताब हैं दूध के लिए। चले देखते हैं, अभी पिलाते हैं इनको दूध। ये आ गए जी बाला बाहर, अभी पिलाते हैं इनको दूध। बाला रुक जा, अभी ना दरवाजा खोल, दरवाजा ना खोल, अभी इनको ना बाहर निकाले, इधर अभी इनको खोलते हैं फिर देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तीनों भी अपना खा रहे हैं। अच्छा जी, आज मैंने बहुत एक खास बात बता दी थी बाला के बारे में, जो कि मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। लेकिन ये था कि शुरू में मुझे थोड़ा सा, वो जैसे कहते हैं डाउट होना, वो डाउट हो गया, क्योंकि ये इसने ना मतलब ऐसी हरकतें शुरू कर दी कि डाउट हो गया मुझे। तो असल में बात ये है कि बात खुशी की है कि जी ये माशाल्लाह से कंफर्म गबन है, हो गई है, मतलब कि अब इसकी बच्चों की हरकत भी फील होती है। तो ये मुझे बड़ा ही खुशी भी थी और बड़ा ही मेरे लिए वो था कि मुझे पहले समझ नहीं पड़ रही थी कि आया ये है भी है क्रॉस के नहीं, क्योंकि 10-15 दिन तक तो मुझे पता लग गया कि ये हो गई, क्योंकि अब एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो चुका है, 6 साल हो चुके हैं। लेकिन फिर कुछ इसकी हरकतें ऐसी हो गई कि बार बार शोर मचाना, ये वो, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया। मैंने कहा कि पता नहीं अब ये गबन हुई भी है कि नहीं, तो मैं बड़ी परेशान थी। फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता चेक करती रही कि मैं देखती रही इसकी हरकतें। फिर मैंने ये देखा कि आया ये 20-22 दिन बाद ईट में दोबारा आती है कि नहीं आती, लेकिन कोई नहीं आई। फिर उसके बाद जी मुझे थोड़ा सा फिर डाउट हो गया कि आया कोई इसमें ख़राबी तो नहीं होगी कि जी ये हीट में नहीं आ रही और इस तरह का कोई मसला। तो फिर अभी जाके अब तकरीबन इसका तीसरा माह है, तो अब जाके इसकी हरकत भी शुरू होगी और मतलब वाजे पता लगने लग पड़ा, जिसकी वजह से मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले अल्लाह का शुक्र है कि इसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। बकरी की मैं आपको एक जगह बता देती हूँ जहाँ से ये जो इसकी बैक पे आप इधर खड़े हो, ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड की अगर आप यहाँ पर हाथ रखते हैं तो आपको बिल्कुल वाजे पता चल जाएगा कि यहाँ से जिसे कहते हैं गड़ा हो जाना और नीचे से जा कर पेट थोड़ा सा सख्त हो जाना। तो यहाँ पर जब आप हाथ रखते हैं तो आपको हरकत बच्चे की फील होना शुरू हो जाती है। तो मैं 4-5 दिन से इसको नोट कर रही थी, फिर आया मैंने कहा कि ये बात है भी है कि नहीं। फिर मैंने इसको बाकायदा हाथ रख के ऐसे चेक किया तो अल्लाह का शुक्र है कि क्रॉस है। और माशाल्लाह से 3 टाइम बच्चों को दूध भी पिला रही है, एक नहीं 3 बच्चों को दूध पिला रही है। तो अल्लाह का शुक्र है ये इस बकरे से क्रॉस है बाबू से, नागरा ब्रीडर। तो गुड्डी तो माशाल्लाह से इंशाल्लाह अगले मंथ लाजमन बच्चे देगी, क्योंकि उसका 5वां मजार है। और अब इसका देखते हैं अजवा का, सॉरी बाला का, अब इसका देखते हैं बाला का कि ये कब तक बच्चे देती है, क्योंकि तकरीबन 3 माह हो चुके हैं इसको होने वाले। तो यही है अपनी तरफ से एक आइडिया जो कि मैंने लगाया। मुर्गियाँ भी अपना खा रही हैं बाहर, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये सब आपने इसके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसको जो है अब इस बार 2 बच्चे दे और खैरियत वाफियत के साथ हो जाए। तो ये खा रहे हैं अभी अपना, लूसन डालें और थोड़ा सा भूसा डाल दिया, क्योंकि लूसन काफ़ी वो जैसे कहते हैं एक्सपेंसिव भी हो गया और मिल भी नहीं रहा, तो इस वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ रहा है। और बच्चे भी अपना खा रहे हैं धूप पर, बड़े मज़े किए हैं। अभी ये खा पी के बाहर निकल जाएंगे, ये देखें जैसे जैसे खा रहे हैं बाहर निकलते जाएंगे। ये तीनों बच्चे भी खा रहे हैं माशाल्लाह से, अजवा भी, रुस्तम और जुमन, माशाल्लाह से दूध पी चुके हैं तीनों और अब ये खा रहे हैं। आज इंशाल्लाह टाइम मिला तो इनकी डिवर्मिंग भी करूँगी और वाइटामिन AD3 का इंजेक्शन भी लगाऊँगी। तो यही थी आज मेरी छोटी सी वीडियो, मैंने सोचा कि आपको बाला की खुशखबरी सुना दूँ। दूसरा नेट का इतना इशू है कि नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा, तो जिस वजह से वीडियो अपलोड ही नहीं होती। तो बस यही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।